नमस्कार दोस्तों, स्नेहलता की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आए हैं, जो आप देखेंगे। यहाँ पे मैंने ली है ये जौ, एडे बोलते हैं इनको, जो लगभग हमारे घरों में मिलती है। आज इस जौ एडे से मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से फाकी बनती है, और अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा तो उसके लिए भी एक प्यारा सा नुस्खा बताऊंगी, जो आप एक बार करके देखना और फर्क 100% होगा। यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी लिया है और एक हैडा हमें रात को इस 1 गिलास पानी के अंदर भिगोना है। इस तरीके से आप डाल दें और इसे ढक कर रात भर रहने दें। जब आप सुबह उठे, निहार मुंह इस हैडे को खा लें और पूरा पानी पी लें। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो इससे देखना, आप 1-1.5 घंटे के बाद आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा और आपको अच्छे से भूख भी लगने लगेगी। इसी तरीके से हमारी ये मैं जो फांकी बनाऊंगी वो भी इसी तरीके से आप उसको लेना और आपको फायदा करेगी। जैसे हम कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं, कई बार पेट में गड़बड़ हो जाती है, गैस हो जाती है, तो हम क्या करें? उसके लिए इस फांकी को जो हम बनाएंगे, हम 1 चम्मच आधी चम्मच इसे लेंगे और हमारा पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये देखिए, ये छोटी वाली चम्मच, बस बिल्कुल थोड़ी सी चिकनाई हमें लेनी है। चाहे आप घी लें, तेल लें, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी जो ये हेड है इसमें हम डाल देंगे कढ़ाई के अंदर और अब इसे भूनेंगे। अब ये भूनेंगे तो ये भून कर इस तरीके से मोटी मोटी हो जाएगी, देखना आप। ये देखिए, मैंने इनको भून लिया है, किस तरीके से ये मोटी मोटी हो गई हैं, दिख रही है आपको? ये देखिए, इस तरीके से ये फूल जाएंगी, मोटी मोटी हो जाएंगी। आप चाहें तो इसे इसी तरीके से साबुत को भी आप दांत से चबा सकते हैं, जार से चबाइए और ऊपर से पानी पी लिए। नहीं तो इसे हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा कूटेंगे मिक्सी के डब्बे से, इसको पीस कर पाउडर बना लेंगे और किसी डब्बे में भर के रख दो। तब भी आपका दिल करे इसे 1 चम्मच ले लो, बिल्कुल आपका पेट, जी, कई बार हमारा जी खराब होता है, मिचलाने लगता है, बाई बादी हो जाती है, इसके खाने से वो ठीक हो जाएगी। छोटी छोटी टिप्स हैं ये, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा होता है तो फिर तो जाना ही है, लेकिन थोड़ा बहुत अपना खाने पीने से हो गया उससे ये ठीक हो जाएगा। ये इसमें ऐसे डब्बे में डाल के, मैंने डब्बे में डाल दिया इसको, इसे थोड़ा रोक रोक के चलाना, एकदम से नहीं चलाना, और हो सके तो इसे पहले आप उखले मूसले में भी कूट सकते हैं। इसका अब हम बनाएंगे बारीक पाउडर। हमारी जो हेडे थी वो मैंने पीस लिए डब्बे में डालकर, और देखो कितना बारीक पाउडर है, बिल्कुल मेहंदी जैसा। इसी तरीके का बनाएं, क्योंकि जब हम फाकी लें तो कहीं अटके नहीं और आराम से ले सकें। अब इसमें हम मिलाएंगे 1 चम्मच सिंधा नमक। ये देखिए, मैंने इसमें ये 1 चम्मच नमक डाल दिया। अब इसके अंदर हम अच्छे से मिला देंगे और इसे कोई अच्छी डब्बी में भर के रख दो। जब भी आपका दिल करे आप इसे इतना भी ले सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं, आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप ले सकते हैं। इसे सर्दियों में आप लगातार हफ्ता 10 दिन भी ले सकते हैं, इससे बहुत फ़ायदे हैं। आपके पेट में कोई भी गड़बड़ चल रही है तो ये लेने से वह ठीक हो जाएगी, और आपका लग रहा है कि आपको भूख नहीं लग रही, इससे आपको भूख लगेगी। और जब हमें भूख लगती है और हम अच्छे से खाना खाते हैं तो काफ़ी बीमारियां तो हमारी वैसे ही ठीक हो जाएंगी। आप जब लगातार इसे लेंगे, ज़्यादातर इन्हें सर्दियों में लगातार लें, और जब लगातार लेंगे फिर देखना आपकी भूख में कितना फ़र्क पड़ेगा। अगर आप 1 चपाती खाते हैं तो 2 खाने लगेंगे,
दो खाते हैं तो तीन खाने लगेंगे। कहने का मतलब है आपकी भूख बढ़ती है और इसके बहुत से फायदे हैं। बहुत अच्छी और प्योर शुद्ध अपने घर में बनाएं और देखें फिर इसे खाकर। आप इसे एक बार चख लें, अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें और डाल लें, क्योंकि हम नमक कम ही खाते हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप और नमक डाल सकते हैं, और अगर आपको नमक ना चाहिए तो आप इसमें देसी खांड भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसका स्वाद थोड़ा कसीला सा होता है, तो थोड़ा अच्छा ना लगे तो आप इसमें खांड भी मिलाकर ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें। आपको कैसी लगी ये फाकी हमारी, ये कर मुझे ज़रूर बताएं।